Unites.com, redefining Bollywood. How many people follow this thing? You know what? I must say that you guys, the EMDI students, are doing a fantastic job by creating this awareness amongst the youth. क्या होता है ना जब स्मोक करते हैं तो काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि फैशन है. इट्स वेरी कूल टू स्मोक बट इट्स नॉट. एट द एंड ऑफ द डे द लास्ट थिंग दैट अ पर्सन वांट्स टू फील इज ड्रेन्ड आउट फटीक. स्मोकिंग डज डू दैट. मी बीइंग एन एक्टर आई स्वेयर नॉट टू स्मोक. इट्स नॉट बिकॉज कि मुझे खाली बोलना है, वो इसलिए बिकॉज आई हैव लॉस्ट अ वेरी डियर पर्सन ऑफ माइन. I lost my dad because of smoking. But, dusri baat, there are many people who look up to Mr. Salman Khan. Am I right? He's given up smoking. उन्होंने मुझे बताया था कि जब उन्होंने smoking छोड़ दी थी, he was shooting for London Dreams. और London Dreams के time कुछ तो problem हुआ था set पे जिसकी वजह से वो upset थे. So he had a cigarette in his hand. And at the same time, he got a call from Mumbai saying that he has lost his dog named Maijan, whom he loved to the core. And that is one thing that again got him to smoking. So it's like, हमें ऐसे लगता है कि कभी हम बहुत emotional हो जाते हैं या breakup हो गया या कुछ हो गया तो चलो cigarette पीते हैं. It's just a mental thing, guys. If we are traveling somewhere abroad, 15-16 घंटे की flight होती हम smoke नहीं करते. वो क्या होता? It's just the mental thing. Thank you for having me here, and I wish you all the students of EMDI all the very best for your careers, and hope you all succeed. मैं ये कॉलेज से नहीं पढ़ी हूँ. ये इंस्टीट्यूट है जो इवेंट मैनेजमेंट को देखती है और स्टूडेंट्स लर्न करते हैं कि इवेंट ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, और जो कि ये कॉज के लिए वो फाइट कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है. आजकल यंगस्टर्स को यंगस्टर्स के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है कि स्मोक नहीं करना चाहिए. तो और अगर एक अच्छी चीज़ से मुझे जुड़ने का मौका मिल रहा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी. अभी तो फिल्म रिलीज़ हुई, अभी एक महीना भी नहीं हुआ है. 24 तारीख को एक महीना होगा. हम भी ये मेरी भी यही उम्मीद है कि मुझे लोग आगे और फिल्म में देखना पसंद करें. और फाइनलाइज जब भी कोई स्क्रिप्ट हो जाएगी, जब भी कोई प्रोडक्शन हाउस से फाइनलाइजेशन आ जाएगा तो प्रोडक्शन हाउस खुद ही अनाउंस कर देगा ये चीज़ को. थैंक यू फॉर वॉचिंग. क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड स्टे ट्यून्ड.